टाना भगत इंटर महाविद्यालय घाघरा में अपर समाहर्ता सुधीर कुमार गुप्ता के द्वारा जिला प्रशासन द्वारा शिक्षा गुणात्मक विकास को लेकर चलाए गए शिक्षा भेंट कार्यक्रम के तहत महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को समय के सदुपयोग एवं घर में नियमित रूप से 4 घंटे अध्ययन करने की शपथ दिलाई गई। जिला प्रशासन के शिक्षा भेंट कार्यक्रम को लेकर टाना भगत इंटर महाविद्यालय घाघरा में सुधीर प्रसाद गुप्ता, BDO दिनेश कुमार एवं CO प्रणव ऋतुराज ने छात्र छात्राओं को भविष्य निर्माण के लिए विभिन्न विषयों पर जागरूक करते हुए परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन हेतु पढ़ाई के लिए टिप्स बताए। वहीं पदाधिकारी ने छात्र छात्राओं को बताया कि अपने लक्ष्य निर्धारण के लिए समय के सदुपयोग के साथ अपने अध्ययन कार्य को मजबूत बनाएं, जिससे अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर अपने लक्ष्य को हासिल किया जा सके। इस दौरान पदाधिकारी ने छात्र छात्राओं के इंग्लिश एवं इकोनॉमिक्स विषयों पर चर्चा के साथ अन्य विषयों पर भी समुचित मार्गदर्शन दिया। अपर समाहर्ता सुधीर प्रसाद गुप्ता ने कहा कि उपायुक्त गुमला द्वारा शिक्षा गुणात्मक विकास को लेकर चलाए गए शिक्षाविद कार्यक्रम के तहत जिले के प्रशासनिक पदाधिकारी विभिन्न विद्यालयों में पहुंचकर छात्रों को नियमित अध्ययन अध्यापन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथ ही साथ परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने एवं तनाव मुक्त होकर परीक्षा में शामिल होने के लिए अध्ययन अध्यापन के टिप्स भी दिए जा रहे हैं, जिससे अच्छा भेद कार्यक्रम को अधिक से अधिक बढ़ावा मिल सके। इस मौके पर BDO दिनेश कुमार, CO प्रणव ऋतुराज, प्राचार्य अर्शिद मोमिन, पूर्व प्राचार्य BB सिंह सहित महाविद्यालय के शिक्षक व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। घाघरा गुमला से संजय मिश्रा की रिपोर्ट। हमारे भविष्य है, समाज का निर्माण कल के तारीख में इनसे ही होना है और समाज की दशा और दिशा इन्हीं से निर्धारित होगी, तो इनके भविष्य को ध्यान में रख करके हमारे उपायुक्त महोदय के द्वारा भी एक बहुत अच्छा कार्यक्रम चलाया जा रहा है शिक्षा कर पे। उसके तहत भी हम लोग हरेक स्कूल में जा रहे हैं, सबको स्कूल दिया गया है और मैं नियमित रूप से बच्चों से मिलते रहता हूं, क्योंकि कालांतर में आप जानते हैं कि फरवरी मार्च में इनकी परीक्षा है और परीक्षा का तनाव बच्चा कैसे घटेगा, परीक्षा का दबाव कैसे घटेगा और अभी से वो बेहतर तैयारी कैसे करेगा और परीक्षा में बेहतर आउटपुट कैसे देगा, इसको लेकर के हम लोग सभी प्रशासनिक पदाधिकारी सभी जगहों पे जा रहे हैं। हमारे BDO साहब हैं, CO साहब हैं, मैं भी हूँ, बाकी सारे पदाधिकारी हैं जिले के। हम लोग उम्मीद करते हैं कि इससे बच्चों की शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन आएगा और परीक्षा का जो दबाव और तनाव होता है उसको हम लोग घटा पाएंगे, यही कोशिश है।